इस कॉलेज में फैसिलिटी के नाम पे आपको बेसिक पानी तक पीने को नहीं मिलती है। बच्चे हमारे पैदल चल के आते हैं ताकि वो अपने 10 रुपए बचा सके, और कॉलेज आने के बाद उन्हें पता लगता है कॉलेज में पानी नहीं है, उन्हें पानी कैंटीन से खरीद कर पीना पड़ता है। यहाँ से पुलिस देखने के लिए आई थी, FIR तक दर्ज नहीं किया गया कि यहाँ महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा था। गाली दी गई है यहाँ पे लड़कियों को, बेल्टों से भगाया गया लड़कियों को, बेल्टों से मारा गया लड़कियों को, भगाया बेल्टों से। यहाँ पे ABVP वाले अपने गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। मैं आपको कहता हूँ कि आप कॉलेज का पूरा चक्कर लगाइए और देखिए कि कॉलेज में क्या है। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज जो अशोक विहार में मौजूद है वहां पर हूँ, और यहाँ पर जो आप छात्र अंदर देख रहे हैं गेट के अंदर, वो छात्र लगातार 4-5 दिन से प्रशासन की जो मनमानी तरीके से फीस बढ़ाने का जो चला दिया गया है उसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी इन्हीं लोगों से जानेंगे कि क्यों यहाँ पर फीस वृद्धि करी गई है और प्रशासन क्यों अपनी मनमानी कर रहा है। इससे पहले इलाहाबाद में भी आपने देखा कि प्रशासन के विरोध में वहाँ पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और वहाँ पर भी फीस वृद्धि कर दी गई थी मनमाने ढंग से। तो अभी यहाँ पर जो छात्र मौजूद हैं उन्हीं लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ हो गया है। क्या नाम है आपका? मैं नीरज राय हूँ, BA सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। कॉलेज में पहले फीस 60,000 थी, 60,000 से फीस बढ़ा के 14,335 रुपया कर दिया गया। जिस तरीके से एक साल में सीधा 101% फीस बढ़ाया गया वो सरासर गलत है। हम लगातार पिछले 5 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लड़के यहाँ 5 दिन से पूरी रात पूरा दिन बैठे, हमारे जो साथी हैं वो बेहोश होकर गिर गए, उनको हॉस्पिटल में बढ़ा रहे, भर्ती करा रहे, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट भी है। आज अभी तक प्रशासन की तरफ से हमें कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं आया है। आखिर ये लोग चाहते क्या, ये लोग क्या फीस हमारी शिक्षा को मांगा करना चाहते हैं? हमें पढ़ने का अधिकार नहीं है क्या? कम पैसों में सरकारी इंस्टीट्यूशन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय में ऐसे फीस बढ़ाया जाएगा तो गांव का वो तमाम स्कूलों पे क्या असर पड़ेगा जो किसी गांव में दूर दराज प्राइवेट हो। यहाँ पे सारे साथी पूरी रात पूरा दिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हम मीडिया बंधुओं के, देखिए मीडिया का जो ताकत होता है सबने देखा, हम आपके माध्यम से यही अपील करना चाह रहे हैं, इस चीज़ को जितना आप लड़कों को सपोर्ट करिए, क्योंकि इसमें आपके भी लड़के हैं, हमारे साथ के भी लड़के, हम लोग भी मिडिल क्लास फैमिली जाते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जिसके घर की इनकम 2-4 लाख हो, जिन्होंने फीस बढ़ाई उनकी सैलरी ही 2 लाख है तो उनको 2-4 हज़ार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रिंसिपल मैम से जब हमने बात किया तो प्रिंसिपल मैम ने ये बोला कि फैसिलिटी बढ़ेगी तो फीस भी बढ़ेगी, तो क्या जब जब फैसिलिटी बढ़ेगी तब तब फीस बढ़ेगी? और अगर फैसिलिटी बना के आप 5-स्टार होटल बना दो तो गरीब लड़का कहाँ जाएगा जिसके घर की इनकम 5,000-6,000 रुपए मंथली है, वो लड़की कैसे पढ़ाई करेंगे? और भी यहाँ पर छात्र मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये फैसिलिटीज की ये बात कर रहे हैं, तो क्या फैसिलिटीज यहाँ पर दी जा रही है जिसके वजह से फीस बढ़ा दी गई है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कॉलेज में मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट में अलग अलग कॉलेजें चलती है, दोनों की प्रशासन अलग अलग है। और मैं आपको बता दूं कि इस कॉलेज में फैसिलिटी के नाम पे आपको बेसिक पानी तक पीने को नहीं मिलती है। अगर आप एक बार कॉलेज का चक्कर लगाओगे तो आप पाओगे कि कॉलेज की दीवारें ढही हुई है, अगर हम सही से 1 लात मार दे तो दीवारें ढह जाएगी, कोई बच्चे की जान भी जा सकती है। न प्रॉपर लाइब्रेरी में AC चलती है, न लाइब्रेरी में प्रॉपर फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके बाद आप एक बार कैंपस में घूमोगे तो किसी भी चीज़ की प्रॉपर सुविधा नहीं है। बच्चे यहाँ मैक्सिमम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, इसमें लगभग ऐसे 500 बच्चे होंगे जो कि खुद पार्ट टाइम जॉब करके यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में इस कंडीशन में यहाँ की फीस को दुगुना किया जा रहा है, मॉर्निंग के कॉलेज में फीस को 6,000 से बढ़ा के 14,000 के लगभग कर दिया गया, इवनिंग के कॉलेज में 7,000 से फीस को 12,500 कर दिया गया, तो वो मिडिल क्लास बच्चे कहाँ जाएंगे? तो आप कौन से ईयर में हैं? मैं अभी यहाँ 3rd ईयर का छात्र हूँ इकोनॉमिक्स ऑनर्स, और यहाँ सारे छात्र बैठे हैं, सारे 2nd और 3rd ईयर के छात्र यहाँ पे बैठे हुए हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? नमस्कार मैम, मेरा नाम चौधरी हेमंत खोकर है। पढ़ाई कर रहे हैं आप? जी मैम, मैं यहाँ पे द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ और
मैं पिछले 72 घंटों से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल पे हैं आप, मतलब प्रशासन देख रहा है लगातार, यहाँ पर प्रिंसिपल ने भी देखा होगा, यहाँ पर से गाड़ी गुजरती है मेन गेट पे, आप लोग बैठे हुए हैं, कोई जवाब मिला अभी तक? मैम हमें केवल जुमलेबाजी दी जा रही है प्रशासन के द्वारा। कॉलेज प्रशासन ने कई बार हमारे ऊपर पुलिस प्रशासन का दबाव बनाया, कॉलेज कैंपस के अंदर पुलिस को कोई परमिशन नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस कैंपस के अंदर आ रही है, लगातार हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है ताकि हम इस प्रोटेस्ट को, इस अनिश्चितकालीन धरने को खत्म करें, लेकिन हम अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी हम इस धरने को ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि इस सत्यवती महाविद्यालय के अंदर लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा पढ़ता है, ना ही कोई अंबानी अडानी की औलाद। अगर यहाँ पर कोई इतने अमीर खानदान का होता तो इस सत्यवती महाविद्यालय को चूज़ नहीं करता, भले किसी MIT वगैरह यूनिवर्सिटी में पढ़ता, किसी प्राइवेट संस्था में पढ़ता। हमने इस महाविद्यालय को इसलिए चूज़ किया था क्योंकि यहाँ पर हमारी फीस कम थी। मेरे साथ कुछ ऐसे साथी हैं जो अपनी क्लास में टॉपर रहे हैं, उन्हें दूसरे अच्छे कॉलेज मिल रहे थे, हंसराज, रामजस वगैरह, लेकिन उन्होंने सत्यवती महाविद्यालय इसलिए चुना क्योंकि उनकी जो फीस भरने की क्षमता थी। तगड़ भी कहा जाता है सत्यवती कॉलेज। जी मैम, लेकिन हम यहाँ पर सभी छात्र, यहाँ पर कोई भी किसी भी पार्टी का नहीं है, सभी छात्र बैठे हुए हैं, हम अभी द्वितीय वर्ष में हैं, हमारे सामने अभी तक कोई चुनाव नहीं हुए हैं। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं मास्टर रविंद्र बेनीवाल जी, उन्होंने हमारे इस प्रोटेस्ट में हमारा बहुत साथ दिया, अभी उनकी हालत थोड़ी गंभीर है, वो भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उन्हें हॉस्पिटलाइज हैं वही, और मेरे साथी मेरे साथ ललित धामा जी भूख हड़ताल पर हैं, और कॉलेज प्रशासन के द्वारा बार बार हमें जुमलों के अलावा कुछ नहीं मिलता, केवल हमारी एक मांग को अभी तक माना गया है, वो हमारी मांग ये थी कि हमारी एग्जामिनेशन फीस जो कि 510 करके दो बार ली गई थी, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की, और उसको वापस किया गया है, वो भी बहुत दबाव के बाद। अभी भी हमारी जो मेन डिमांड है हमारी फीस हाइक को लेकर, उस पर अड़े हुए हैं। कॉलेज प्रशासन हमें केवल जुमलेबाजी कर रहा है, कोई लिखित नोटिस हमारे पास ऐसा नहीं आया। कितनी फीस थी आपकी और अब कितनी वृद्धि कर दी गई है? पहली फीस हमारी 6,125 रुपये थी, अभी हमारी फीस 14,365 रुपये है, जो कि बहुत अधिक है। आप समझ सकते हैं, एक छात्र जो रात में होम डिलीवरी करके यहाँ पर रहकर अपना खर्चा चला रहा है, वो कैसे भरेगा? हमें केवल सत्यवती महाविद्यालय में पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा फीस बढ़ाई गई है। हम मानते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय ने फीस बढ़ाने का नोटिस निकाला है, लेकिन जितनी वो फीस बढ़ाने के 700-800 रुपये का नोटिस निकला है, हमारे पास सारे नोटिस भी है, सारे लेटर्स हैं। आपको उच्च शिक्षा मिले इसीलिए उसमें वृद्धि करी गई है, इसलिए प्रशासन तो लगातार इस तरीके का भी बोलता है। अभी वहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय में भी प्रदर्शन किया जा रहा था डॉक्टर ऋतु के लिए भी, तो वहाँ पर भी इस तरीके की बातें आ रही थी। इलाहाबाद में भी जो है किया जा रहा है प्रदर्शन वृद्धि के लिए, तो वहाँ से भी लगातार यही प्रशासन कह रहा है कि भाई इनकी फैसिलिटीज़ और उच्च शिक्षा के लिए हम लोग फीस में वृद्धि कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, सत्यवती महाविद्यालय के अंदर आप फैसिलिटी की बात तो मत ही करिए, क्योंकि यहाँ पर छात्रों को पानी तक के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, हमें पानी खरीद के पीना पड़ता है सत्यवती महाविद्यालय के अंदर। क्या कॉलेज प्रशासन का ये फर्ज नहीं है? क्या एक बच्चे का ये अधिकार नहीं है कि उसे पीने का पानी प्रोवाइड किया जाए कॉलेज प्रशासन के द्वारा? पानी तो नहीं है यहाँ पे प्रोवाइड, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, वाटर कूलर जो है वो जर्जर हालत में है, कुछ चुनिंदा वाटर कूलर चलते हैं। यहाँ पर 3500 बच्चे मॉर्निंग इकाई में और 3500 बच्चे इवनिंग इकाई में पढ़ते हैं, कुल मिलाकर 7,000 स्टूडेंट हैं, उनके लिए 2-4 वाटर कूलर हैं जो भी सही समय पर काम नहीं करते, उसके लिए भी हमें प्रोटेस्ट करना पड़ता है। बच्चे यहाँ पर पैदल चल के आते हैं ताकि वो अपने 10 रुपये बचा सके, और कॉलेज आने के बाद उन्हें पता लगता है कि कॉलेज में पानी नहीं है, उन्हें पानी कैंटीन से खरीद कर पीना पड़ता है। क्या मैम ये कॉलेज प्रशासन का फर्ज नहीं है हमें पीने का पानी प्रोवाइड करवाएं? मैम कॉलेज प्रशासन को ये देखना चाहिए कि बच्चों की क्या हालत है। आज हमें 4th दिन है मैम कॉलेज प्रशासन के द्वारा, हमें अभी तक ये आश्वासन नहीं दिलाया गया कि आप अपने इस धरने को ख़त्म करिए और अपनी इस भूख हड़ताल को ख़त्म करें। तो भूख हड़ताल पे देखिए यहाँ पे ये बैठे हुए हैं लगातार, लेकिन अभी यहाँ पर और भी छात्र हैं और यहाँ पर गर्ल्स भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि, अंजलि कितने दिन से आप लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं? आज 4th दिन है, और दो दिन से जब से ये प्रशासन चल रहा था तब तक में कुछ ऐसा नहीं हुआ, और तीसरे दिन जैसे ही हुआ, इस प्रशासन को भंग करने के लिए और इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे आउटसाइडर्स को बुलाया गया। फिर उसके बाद ABBP का भी संगठन यहाँ पे इकट्ठा हुआ, और उन आउटसाइडर्स के साथ ही ABBP भी मौजूद थी,
और एबीवीपी जब मौजूद थी तो आउटसाइडर्स ने यहाँ पे सबके ऊपर हमला किया, हमारे साथी भी कुछ घायल हुए, 3 लोग घायल हुए और साथ ही साथ हमारे ऊपर भी धक्का मुक्की और पत्थरबाजी भी की गई थी। यहाँ पे लोहे वगैरह उठा लिए गए थे ईंटबाजी करने के लिए। ये कल ही हुआ था, कल हुआ है, इसी टाइम पर हुआ है, इसी टाइम पे हुआ था। और यहाँ पर प्रशासन वगैरह का क्या रुख था और पुलिस वगैरह आई यहाँ पर? यहाँ से पुलिस देखने के लिए आई थी, FIR तक दर्ज नहीं किया गया कि यहाँ महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा था। और जब हर एक शख्स इंसान को हक है बोलने का, और अगर नारी अपनी बात रख रही है तो उसे भी हक है बराबर का, लेकिन यहाँ जब अब हमने बात उठाई तो यहाँ बोला गया अपनी बात को दबा लो, चुप रहो, मत बोलो, ऐसा प्रेशर दिया गया है प्रशासन एबीवीपी की तरफ से था। ये क्यों, उनको क्यों परेशानी हो रही है? अगर आप प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे हैं तो वो लोग क्यों इतना एक्टिव हो रहे हैं? उन लोग का मतलब है कि हम लोग एकता में तो हैं, लेकिन उनका मतलब है कि यहाँ नेताबाजी करनी, उन्हें यहाँ इलेक्शन आने वाले हैं, उन्हें ये लड़ना है, ये नहीं दिख रहा यहाँ एकता की बात की जा रही है। यहाँ सबके लिए फीस कम कराने बैठे हैं, एक की बात नहीं है और सबकी फीस बढ़ी है। अच्छा एक बात, क्या नाम है आपका? निहारिका। निहारिका कौन सी ईयर में है? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में है। आप भी लगातार यहाँ पर प्रदर्शन पे मौजूद हैं? लगातार। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, आप ही छात्र लोग जो बोलते हैं ना युवा ही राजनीति को और नेताओं को बनाने वाला होता है, आप लोग वोट देते हैं, सबसे ज्यादा वोट आप ही लोग चढ़ बढ़कर हिस्सा लेते हैं, देते हैं, फिर उसके बाद जब नीतियाँ आपको पसंद नहीं आती आप लोग प्रदर्शन करने लगते हैं अगेंस्ट में? प्रदर्शन ऐसा कुछ नहीं है, बट हम यहाँ पे यूनियन के लिए बैठे हुए हैं, बट ये जो कल हुआ है जो सारा सब कुछ, तो ये तो पॉलिटिक के खिलाफ ही हो गया ना। मतलब पॉलिटिशियन जो हम यहाँ पे स्टेट यूनियन बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये कल नेतागिरी दिखा रहे हैं, यहाँ पे पत्थरबाजी हुई है, गाली दी गई है यहाँ पे लड़कियों को, बेल्टों से भगाया गया लड़कियों को, बेल्टों से मारा गया लड़कियों को, भगाया बेल्टों से, और पुलिस भी आगे कुछ नहीं करा। उन्होंने आखिरी में आई थी, FIR दर्ज कुछ भी नहीं हुई है, ठीक है, 3 लोग घायल हुए हैं, कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे। और प्रिंसिपल मैम भी बाद में आई, उन्होंने भी कुछ भी नहीं कहा, 3 दिन से हड़ताल पे हमारे भाई, ठीक है, कुछ भी नहीं पूछा कि तुम बच्चों कैसे हो, कैसे नहीं हो, कुछ खाया तुमने, कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने। तो विश्वविद्यालयों में क्या संघियों का लगातार पैठ बढ़ती जा रही है क्या? क्या नाम है आपका? निधि नाम है मैम। कौन सी ईयर में है आप? सेकेंड ईयर में। निधि, अभी आप महिला हैं, जिस तरीके से अभी इन्होंने बताया कि महिलाओं के ऊपर बेल्ट चल रही है, प्रशासन शांत है, पुलिस नहीं आ रही है, और जो VC है वो तो देखकर अनदेखा ही कर देते हैं, शायद ऐसा सुनने में भी आ रहा है, विश्वविद्यालय पर लगातार उंगलियां उठ रही हैं, तो संघियों की पैठ होती जा रही है क्या? यस मैम, यहाँ पे ABVP वाले अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो उनका ही शासन हो यहाँ पे, सब उनसे डर के रहे, दबके रहे। उन्होंने कल हम महिला, हम लड़कियां जब उनके खिलाफ आवाज़ उठा रही थी, तो उन्होंने मुझे मारने की धमकी भी दी है। मारने की धमकी तक दे दी है आपको? यस मैम, यहाँ जबकि कि तुम मत आओ बीच में, तुम इनका साथ मत दो। अच्छा, नहीं तो किसका साथ देना चाहिए, किसके लिए प्रेशर बनाया जा रहा था? उनकी पार्टी का साथ दें हम। अच्छा। हम अपने जो हमारी जो यूनियन बनी है उनका साथ ना दें। और वहाँ पे पुलिस भी मौजूद थी, पुलिस वालों के साथ भी इतनी बदतमीजी से वो लोग बात कर रहे थे, पर फिर भी पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। यस मैम, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है, आखिरी सांसें गिन रहा है लोकतंत्र। और तो देखिए कितने हालात खराब हैं यहाँ पर। वैसे तो मीडिया लगातार यहाँ कॉलेजेस में आ जाती है, सत्यवती जो कि इलेक्शन के लिए हमेशा से मशहूर रहा है और हमेशा नंबर 1 पे रहा है, तब ये मीडिया यहाँ लगातार इस तरीके की खबरें दिखाती है, इलेक्शन कवर करने आती है, लेकिन जब यहाँ पर इस तरीके की बर्बरता होती है, फीस में वृद्धि हो जाती है, प्रशासन की मनमाने ढंग से ये अनचाही तरीके से नीतियाँ आ जाती हैं, तो ये मीडिया भी यहाँ पर सो जाती है। अच्छा, मुझे ये बताइए आप क्या क्या नाम है आपका? अंकुर। अंकुर, आप भी प्रदर्शन में लगातार मौजूद हैं? जी। तो यहाँ पर अभी तक आप 4-5 दिन से आ रहे हैं, कोई मीडिया आई है? एक भी मीडिया नहीं आई है। मीडिया जब प्रशासन को ही कुछ नहीं पड़ी है तो मीडिया को तो जब पड़ेगी। आप आ गए हो तो इसलिए हम अपनी आवाज़ उठाने में समर्थ हैं और अपनी आवाज़ और ज़्यादा उठा सकते हैं। मैं मीडिया को ये बताना चाहता हूँ कि हमें प्रशासन बोल रहा है कि हम फीस इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हम आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, अच्छी आपको शिक्षा देंगे। मैं आपको कहता हूं कि आप कॉलेज का पूरा चक्कर लगाइए और देखिए कि कॉलेज में क्या है, क्या कॉलेज की दीवारें ठीक है,
क्या कॉलेज के शिक्षक जो है अच्छी शिक्षा देने में समर्थ है? अगर समर्थ है तो हम फीस देने को तैयार हैं, हम पूरे 14,000 रुपए देने को तैयार हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की फीस हमको वापस कर दें, क्योंकि वो पूरी तरीके से ऑनलाइन थी, हमने कोई कॉलेज की फैसिलिटी वापस फैसिलिटी नहीं ली थी उस टाइम। तो हम चाहते हैं कि हमारी फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की जो फीस थी वो हमको वापस मिले, हम 14,000 देने को बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तब भी फैसिलिटी के नाम पे आपसे ये रुपया पूरी एक भी रुपया कम नहीं किया गया था, जितनी फीस हमको स्ट्रक्चर में दिखाई गई थी उतनी फीस हमसे उन्होंने ली थी। तो अभी जो स्ट्रक्चर का बात की जा रही है और आपको हवाला दिया जा रहा है कि फैसिलिटीज, तो फैसिलिटीज के नाम पर यहाँ पर महिलाओं के लिए क्या कुछ किया गया है और आप लोगों के लिए क्या कुछ किया गया है नौजवानों के लिए? हमें हमारी फीस हर स्टेज में काटी गई है, एनसीसी स्टेज में, स्पोर्ट्स स्टेज में, हर स्टेज में जितने भी कॉलेजेस में जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं उसकी हर स्टेज में हमसे फीस काटी गई है। लेकिन फीस, लेकिन हमने कोई, हर कोई स्टूडेंट उसमें इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनकी फीस पूरी की पूरी कटी है। आप स्पोर्ट्स रूम में जाइए, डांस एंड म्यूजिक रूम में जाइए, देखिए म्यूजिक रूम की एक एक इंस्ट्रूमेंट टूटा हुआ है, एक भी इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है। और आप जाइए स्पोर्ट्स रूम में जाइए, सारे के सारे स्पोर्ट्स जितने भी वो होते हैं इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक भी स्पोर्ट्स का इंस्ट्रूमेंट अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, हैवी तो एक या दो। कितनी टीमें खेल लेंगी? अगले महीने टूर्नामेंट्स की तैयारी हो रही है, टूर्नामेंट्स आने वाले हैं, अगर कोई बाहर से आता है तो हमारे कॉलेज में अगर टूर्नामेंट होता है तो हम क्या दिखाएंगे उनको? एक बब्बू घोसा, लो जी खेल लो आप हमारे साथ। तो मतलब आप लोगों को बरगलाया जा रहा है लगातार इस तरीके की झांसे देकर, हवाले देकर कि फैसिलिटीज के नाम पर। और ये जो अभी मारपीट हुई है, मैं मारपीट पे भी बात कर लेती हूँ कि ये आपके साथ मारपीट की जा रही है तो ये किस दबाव में की जा रही है? क्या प्रशासन कुछ चीज़ों को छुपाना चाह रहा है जो ये मारपीट कर रहा है? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। प्रशासन, अगर प्रशासन को पड़ी होती, हमारे सारे स्टूडेंट जो हैं यहाँ पे खदेड़ कर मारे गए हैं, ठीक है। एक भी एक स्टूडेंट तो ऐसा था उसकी शर्ट तक फाड़ दी गई, वो कल से उसने वो शर्ट, अभी तक शर्ट नई पहनी उसने, वही पहन के रखा हुआ है, ठीक है। प्रिंसिपल मैडम यहाँ से आई, हमारे हेमंत भाई बिल्कुल 2-3 दिन से भूखे हुए हैं, भूखे पड़े हुए हैं, लेकिन प्रिंसिपल मैडम ने एक बार भी आके नहीं देखा कि हमारे हेमंत भाई की क्या हालत है। जाने का रास्ता तो यही है, बिल्कुल एक ही गेट है आने का और एक ही गेट है जाने का, सब कुछ। मैडम यहाँ से इतनी बार जा चुकी हैं लेकिन एक बार भी हेमंत भाई के पास नहीं। आप लोगों के साथ खड़े हो रहे हैं, कोई बोल रहा है कि हाँ वाकई में सही हो रहा है? अभी तक तो कोई टीचर नहीं है ऐसा जिसने हमको सपोर्ट किया हो। मुझे ये बताइए कि जब प्रशासन इस तरीके से देख रहा है, लगातार इस तरीके का काम हो रहे हैं, ऐसा हमने JNU में भी देखा, जब भी कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है शांतिपूर्वक करता है, JNU में भी हो चाहे जामिया हो, तो वहाँ पर इस तरीके की संघी जो सोच वाले लोग हैं वो आ जाते हैं और मारपीट करने लगते हैं। आखिर उसको जामा पहनाने क्यों लगते हैं ये लोग? वो उनका एक मोटिव होता है कि हम अगर स्टूडेंट यूनियन यहाँ पे खड़ा है तो उसको भस्म किया जाए, उसको खत्म किया जाए, ताकि वो क्रेडिट अपने आप ले लें कि हाँ हमने करवाया है सब कुछ। तो यहाँ क्रेडिट की पड़ी है, मतलब लोग जो स्टूडेंट इतनी जगह जगह से आए, आप भी कहीं कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली में रोहिणी से अलग अलग जगहों से, मेरे ख्याल से दूर दूर से यहाँ पर छात्र आए होंगे और एडमिशन लिया होगा, बहुत सपने होंगे आप लोगों के, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की मनमानी चल रही है। जी मैडम, तो अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छात्रों के ऊपर हमेशा जब भी वो प्रदर्शन करते हैं शांतिपूर्वक, तो किस तरीके से राइट विंग वाले आ जाते हैं और कैसे अपने मनमाने तरीके से मारपीट चालू हो जाती है, तो वो आप और हमसे छुपा नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ प्रशासन में फैसिलिटीज़ की बात की जा रही है, तो मैं फैसिलिटीज़ के चलते यहाँ इस कॉलेज के यहाँ पर भी वो भी दिखाऊंगी आपको कि क्या फैसिलिटीज़ वाकई में दी जा रही है इनको, जिसके नाम पर इनसे पैसा वसूला जा रहा है। तो अभी जो यहाँ पर ये छात्र मौजूद हैं, अभी तो ये कोई भी मीडिया आपको ये नहीं दिखा रहा होगा, क्योंकि इलाहाबाद का भी ऐसे ही मामला था और लगातार वहाँ पर रात में छात्र बैठ रहे थे, लेकिन वो मामला जब हाईलाइट हुआ तब एक आध मीडिया ने दिखा दिया और वो भी उसको जामा पहनाते हुए दिखाया, लेकिन अंदर की हकीकत क्या है उसको वो छुपा ही देते हैं। इसी के साथ देखते रहिए जनित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, दिल्ली विश्वविद्यालय, सत्यवती कॉलेज।